और ये दो इसकी बची हुई है, फिर इसको मिला करके ऐसा मिला करके फिर से गोला बनाना है। ये जो दो हिस्से बचे थे उनको फिर से पूरा मिला के फिर से गोला बनाना, फिर से गोला बनाएंगे, फिर वैसे ही करेंगे। हाँ भैया, फिर वैसे ही काटेंगे इसकी, फिर चार हिस्से करेंगे। हाँ भैया, चार हिस्से इसके फिर से करेंगे। इसका ये चार हिस्से फिर से हो गया भैया, तो आमने सामने फिर अलग कर देंगे। हाँ, इसका आमने सामने वाला मिट्टी फिर से अलग कर देंगे। कितने बार करेंगे भैया ये? इसको तीन बार करेंगे भैया, तीन बार करेंगे। हाँ भैया, इन दोनों हिस्सों को फिर से एक बार मिला के अच्छे से मिला के और फिर से इसको गोला बना कर फिर चार हिस्सों में बांटना है। इसको फिर से चार हिस्से में बांट देते हैं। ये चार हिस्से फिर से बढ़ गया है। अच्छा भैया, अब इसके फिर आमने सामने की एक हिस्से निकाल देते हैं। अब यहाँ सिर्फ दो हिस्से बढ़ गए भैया। अब क्या करेंगे भैया? इन दो हिस्से अच्छी तरह से मिलाएंगे भैया। अच्छा, ये अच्छी तरह से मिला लिए। ये मिला हुई मिट्टी से भैया आधा किलो हम मिट्टी का सैंपल निकाल लेंगे। हमारे पास एक किलो की बात है, तो पहले एक किलो नाप लेते हैं, उसके बाद फिर मिट्टी को आधा आधा करके दोनों साइड रख लेंगे। तो आधा किलो हो जाएगा? हाँ, आधा आधा किलो हो जाएगा। ज्यादा हो गया। आधा आधा बांट लेते हैं। अच्छा जी, बराबर हो गया, आधा आधा किलो। अब भैया कोई भी आधा किलो को हम मिट्टी के सैंपल को पॉलिथीन में डाल देंगे। अच्छा, हमारा मिट्टी परीक्षण के लिए तैयार हो गया। ये भी पन्नी में डाल दिए।